हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो इमेज में, व्याप्ति और हेतु और साध्य और पक्षा, ये की टर्म है। तो व्याप्ति का मतलब होता है जो साथ साथ इवेंट घटती हैं। तो यहाँ पर फायर और स्मोक व्याप्ति हैं, ठीक है। व्याप्ति का मतलब जो साथ साथ होता है, तो स्मोक और फायर एक साथ होंगे, ठीक है। तो व्याप्ति कीवर्ड ध्यान रखना। साध्य क्या है? फायर, जो कि इसको हमें प्रूफ करना है कि माउंटेन पे आग लगी है, ये प्रूफ करना है। हमको धुआं दिखाई दिया, पहले स्मोक दिखाई दिया, तो साध्य क्या है यानी सिद्धि क्या करना है? स्मोक के हेल्प से फायर है या नहीं है, ठीक है। स्मोक क्या है? ये हेतु है। हेतु का मतलब होता है रीजन, ठीक है। तो हेतु को बोलते हैं मिडिल टर्म, और जो मेजर टर्म है वो हमारा फायर है, ठीक है। और जो माइनर टर्म है हमारा वो माउंटेन है, इसको पक्षा बोलते हैं हिंदी में, पक्षा, ठीक है। तो पक्षा क्या है? माउंटेन। साध्य क्या है? फायर। हेतु क्या है आपका, जिसको रीजन बोलते हैं, वो स्मोक है। और व्याप्ति क्या है? फायर और स्मोक दोनों। तो ये कीवर्ड आप ध्यान रखना इस इमेज से। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, व्याप्ति, पक्षा और हेतु।